हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट 247 में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर 2020। ठीक है, तो 2020 में जो आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमने काफी रिसर्च करके निकाले हैं, काफी न्यूज़पेपर में मैंने इसको देखा है, पढ़ा है और समझा है, ठीक है, वहां पे इनके बारे में चर्चाएं हुई हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके रेलवे NTPC और SSC के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पूरा 100% आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपके पेपर में इनमें से कोई एक या दो क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। और आप जान रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपके दो या तीन नंबर के होते हैं, तो कितना ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करेंगे। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जाने से पहले एक आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है, पुस्तक क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन के लेखक हैं सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी, स्मृति जुबिन ईरानी, निर्मला सीतारमण। तो यहाँ से आपको नाम याद रखना है, स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, तो स्मृति जुबिन ईरानी क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन की लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक कर्मोदय ग्रंथ किसके जीवन से प्रेरित होकर लिखी गई है? अमित शाह, APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी। यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से प्रेरित होकर कर्मोदय ग्रंथ लिखी गई है, जिसका विमोचन अमित शाह ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक हैं नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सुब्रमण्यम जयशंकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, तो सुब्रमण्यम जयशंकर द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ओवरड्राफ्टिंग सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी गई है? पहला ऑप्शन है रघुराम राजन, मनमोहन सिंह, उर्जित पटेल और कृष्णपाल देसाई। तो फ्रेंड्स, यहां से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उर्जित पटेल। ठीक है, तो उर्जित पटेल द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर पुस्तक लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक विश्वनाथ आनंद हैं? माइंड मास्टर, विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ, माई लाइफ माई मिशन, माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, लॉकडाउन लेसन। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माइंड मास्टर, विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ। तो इस पुस्तक के लेखक हैं विश्वनाथ आनंद। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लेखक हैं चेतन भगत, खुशवंत सिंह, शशि थरूर, सुषमा स्वराज। तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। ठीक है, तो शशि थरूर एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट ऑफ मनोहर पारिकर के लेखक हैं तरुण विजय, तवलीन सिंह, वीके सिंह, आरके मलकानी। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तरुण विजय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हॉप ऑन
माय एडवेंचरस ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स लिखी है। तो यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। इस पर एक बहुत ही अच्छा ट्रिक हम बताते हैं, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बोट्स भी चला लेता है, ट्रेन्स भी चला लेता है और प्लेन्स भी चला लेता है। तो आपका नाम याद रखना है जेम्स बॉन्ड। तो जेम्स बॉन्ड है, तो बॉन्ड से बॉन्ड मिलाओ तो क्या हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक लेगेसी ऑफ लर्निंग के लेखक हैं वी एस नायपाल, उमा महेश्वरी, सविता छाबड़ा, नंदिनी चावला। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सविता छाबड़ा। तो सविता छाबड़ा लेगेसी ऑफ लर्निंग की लेखक हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक द इकाबर्ग के लेखक हैं जे के राउलिंग, मिशेल ओबामा, थॉमस जॉनसन, ब्रेटली। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जे के राउलिंग के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। जो जे के राउलिंग है वो हैरी पॉटर बुक्स के राइटर हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक बाबा रामदेव हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे माई लाइफ माई मिशन बुक के लेखक जो है वो बाबा रामदेव हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड किसके द्वारा लिखी गई है। तो संदीप शास्त्री के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो शास्त्री वर्ड से है शास्त्री का कनेक्शन, यानी कि एक ट्रिक है। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक सावरकर इकोस फ्रॉम ए फॉरगेटेन पास्ट किसके द्वारा लिखी गई है। तरुण विजय, विक्रम संपत, शशिकांत दास, हरि ओम तिवारी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विक्रम सांपत सावरकर इकोस फ्रॉम ए फॉरगेटेन पास्ट के लेखक हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी पुस्तक लिखी गई है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, सी जिनपिंग, सिंजो अबे, चेन साओ, फांग फांग। तो अभी फांग फांग के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और पुस्तक का नाम आपको ध्यान से याद रख लेना है, वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, ठीक है, जिसके लेखक हैं फांग फांग। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट के लेखक हैं नवीन चावला, भालचंद मुंगेकर, आशीष रे, मीनाक्षी लेखी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भालचंद मुंगेकर। तो भालचंद मुंगेकर द्वारा माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट पुस्तक लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडिया हाई ग्रोथ ईयर के लेखक हैं मोंटेक सिंह अलुवालिया, वीके सिंह, आरबी अकलेकर, रमेश पोखरियाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोंटेक सिंह अलुवालिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो मोंटेक सिंह अलुवालिया बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडिया ग्रोथ ईयर्स के लेखक हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृष्णा स्वामी। तो कृष्णा स्वामी द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, शटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक द बीइंग गांधी के लेखक हैं पारो आनंद, विवेक देवराय, आकाश चोपड़ा, सुशील कुमार। तो फ्रेंड्स, यहां से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पारो आनंद।
ठीक है, तो अभी पारो आनंद द्वारा बीइंग गांधी पुस्तक लिखी गई है। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर हु नेवर कम बैक के लेखक हैं कृष्णा सक्सेना, वीके सिंह, चंद सुता डोगरा, सुशील कुमार। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद सुता डोगरा। तो चंद सुता डोगरा द्वारा मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर हु नेवर कम बैक पुस्तक लिखी गई है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल के लेखक हैं सुषमा स्वराज, क्रिश कुबेर, आकाश चोपड़ा, आदित्य ठाकरे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिरीश कुबेर। ठीक है फ्रेंड, तो गिरीश कुबेर द्वारा शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन स्टोरी ऑफ ए प्राउड पीपुल लिखी गई है। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक लॉकडाउन लाइसन के लेखक हैं तवलीन सिंह, चेतन भगत, शोभा डे और सुषमा स्वराज। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शोभा डे। शोभा डे द्वारा लॉकडाउन लाइसेंस नामक पुस्तक लिखी गई है। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक प्रोफेसर बी बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड के लेखक हैं प्रहलाद सिंह पटेल, दिन्यार पटेल, अमित त्रिपाठी, पेमा खांडू। तो इसके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रहलाद सिंह पटेल। तो प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा प्रोफेसर बी बी लाल इंडिया रिकवर्ड लिखी गई है। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं, द कलर पर्पल, एटलस स्ट्रगल, सावरकर इकोज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तक मसीहा मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन के लेखक हैं सुशील कुमार, तवलीन सिंह, राकेश आनंद बख्शी, अमित त्रिपाठी। तो फ्रेंड, इसके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तवलीन सिंह। तो तवलीन सिंह द्वारा मसीहा मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन लिखी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द यूनिक किट रिवर अ बायोग्राफी ऑफ ब्रह्मपुत्र के लेखक हैं विमल जालान, सी एस पंडित, राकेश आनंद बख्शी, अरूप ज्योति साकिया। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अरूप ज्योति साकिया। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।